तो भाई लोग कैसे हो? सो भाई लोग यार आ चुके फिर से एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ। एंड गाइस यार आज हम लोग करने वाले हैं ओनली ग्रेनेड चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, ओनली नेट चैलेंज, ग्रेनेड चैलेंज कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। अब देखो यार, इस वाले चैलेंज पे ना हम लोग आज ओनली ग्रेनेड चैलेंज तो करने ही वाले हैं, लेकिन ओनली ग्रेनेड चैलेंज एंड अनलिमिटेड ग्रेनेड चैलेंज भी करने वाले हैं। मतलब गाइस अभी अगर मेरे को अनलिमिटेड ग्रेनेड मिल जाए तो बेसिकली पॉसिबल तो है नहीं, बट ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता भाई आगे चल के क्या होने वाला है और आगे चल के मुझे कितने ज़्यादा ग्रेनेड्स मिलने वाला है। ठीक है, बाकी तुम लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि आगे चल के क्या होने वाला है। अब ये देखो, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मैंने ऑटो पिकअप वगैरह ऑफ कर दिया ताकि कोई भी अदर गन वगैरह उठ ना जाए। ठीक है, मतलब बार बार उठ जाएगा उसको फिर बार बार गिराना पड़ेगा, उससे अच्छा भाई ऑटो पिकअप ही ऑफ कर देते हैं ना, सिर्फ सिर्फ ग्रेनेड ही उठाएंगे। अब देखो यार, इधर को मैं जैसे आया तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट एड किट वगैरह मिल गया, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एड किट वगैरह उठा लिया और मेरे को बैकपैक वगैरह भी पहले ही मिल चुका था। अब जैसे मैं गाइस इस वाले सी बिल्डिंग की तरफ जाता हूं, मतलब वार हाउस की तरफ, इस वाले वार हाउस की तरफ जाता हूं, तभी आप लोग फुटस्टेप सुनना। अब गाइस इस वाले वार हाउस की तरफ जैसे मैं आया तो वहां पर गाइस फुटस्टेप आ रहा था, मतलब बंदा आ चुका है। अब ये जो बंदा है, ये वाला बंदा बंदा था, बॉट नहीं था गाइस। ओके, अब पहले तो स्टार्टिंग में मुझे लगा कि भैया बॉट होगा, तो भैया मतलब इतना ज़्यादा डर नहीं रहा था मैं। लेकिन गाइस ये देखो, ये देखने के बाद ना मुझे पक्का पता चल गया कि ये वाला बंदा बंदा है। अब यहाँ पर मेरे को ग्रेनेड तो मिल गया, बट गाइस देखो क्या होता है, मतलब मार दूंगा यार, मारने में क्या जाता है, इसको इजीली मार। गजब बेइज्जती है। अब यार ना हर बार ना मेरे साथ गजब बेइज्जती हो जाता है, पता नहीं इतना बेइज्जती मैं फील कैसे कर लेता हूँ, है ना। तो फिलहाल तो आ चुके नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे। यार देखो थर्ड हिल पे उतर रहा था और बंदे देखो भाई साहब, मतलब भाई क्या ही बताऊँ, यहाँ पर तो मेरा पेटी बनने ही वाला है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इतने सारे बंदे तो आ चुके हैं थर्ड हिल पे, अब मैं टिक सकता हूँ कि नहीं और कितने देर तक टिक पाऊँगा, वो भी ओनली ग्रेनेड पे। तो देखते हैं भैया कितने देर तक टिक पाता हूँ और कितने बंदों को मैं ठिला पाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मेरे को लेवल 3 का बैकपैक वगैरह मिल चुका था। देखो गाइस, लक देखो गाइस, उतरते मेरे को ग्रेनेड मिल चुका था। अबे यार जैसे मेरे को ग्रेनेड मिला तभी मैंने यहाँ पर लेवल 3 का हेलमेट वगैरह उठा लिया, उसके बाद गाइस सीधे मैं चला गया इधर को तरफ। ओके, और इधर की तरफ फुटस्टेप आ रहा था गाइस, कुछ छोटे छोटे फुटस्टेप आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने पहले तो नेट का पिन खींचा, मुझे लगा कि भाई अगर साइड पर बंदा होगा तो वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था, वो वाला बंदा इधर को नहीं था। मैं सीधे चला गया इस वाली छत के ऊपर की तरफ। ओके, अब मैं यहाँ पर आया तो सामने की तरफ फायरिंग चल रहा था और मेरे को बंदा स्पॉट हो गया उस वाले घर पे। यहाँ पर देखना एक ओपी नेड किसको बोलते हैं, कैसा लगा इस नीचे कमेंट में जरूर बताना। और बंदा नॉक हो चुका है और तभी ये वाला बंदा आ गया कहाँ से। अब ये वाला बंदा मेरे पे तगड़ा वाला फायरिंग करने लगा, तो मैं बचते बचते तो भाई इधर का आ गया। और हाँ गाइस, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं मारे तो क्या कर रहे हो, चाहे वीडियो को लाइक मारो, क्योंकि यहाँ पर देखना निहत्ता में कैसे इन सभी बंदों को ठिला दूंगा, इजीली ठिला दूंगा। लेकिन भाई मतलब मैं हमेशा सोचता था कि मैं प्रो हूँ, लेकिन मैं प्रो नहीं हूँ यार, प्रो का पी भी नहीं हूँ मैं, क्या करूँ यार, मतलब क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, क्या करूँ, मैं मर जाऊँ, हाँ क्या करूँ। अबे आ चुके हैं नेक्स्ट वाले गेम प्ले पे। नेक्स्ट वाले गेम प्ले में पायलट प्लाजा पे उतर चुका था। अब पायलट प्लाजा पे उतरने के बाद गाइस आप लोगों ने देखा कि पायलट प्लाजा पे मैं अकेला नहीं उतरा था, मेरे साथ बहुत सारे बंदे थे। अब यार देखो बहुत सारे बंदे, मतलब भैया पेटे तो भैया बनना पक्का है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कितने देर तक मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाता हूँ, मुझे भी नहीं पता भाई।
आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और ये देखो भाई, एकेएम पे एकेएम मिल रहा है भाई। मतलब भाई अगर एकेएम चैलेंज कर रहे होते हैं ना, तो मेरा तो भैया लॉटरी लग जाता। तो आगे हाँ गाइस, एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि आप लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन सा चैलेंजेस अभी और भी देखना पसंद है। और भी ज़्यादा चैलेंजेस का सीरीज़ मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, जैसे ओनली व्हीकल चैलेंज, ओनली AWM चैलेंज, ओनली ड्रॉप वेपन चैलेंज। तो ऐसे चैलेंजेस अगर आप लोगों को देखना पसंद है तो एक बार चैनल को विजिट कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल जाएगा ऐसे चैलेंजेस के ऊपर। तो वो सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो। अब गाइस सर, अगर आपके पास भी कुछ अमेजिंग से चैलेंजेस है जिसके ऊपर मैं पूरा गेम प्ले बना सकूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी गेम प्ले लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब यार अगर अभी तक आप लोगों ने इस वाले वीडियो को लाइक नहीं मारे तो क्या कर रहे हैं, चाहे वीडियो को लाइक मारो। आज की इस वीडियो का लाइक मैं कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, वैसे आपका जितना मन मर्जी हो कर देना, बिल्कुल सुकून मिल जाता है। अब यार देखो, मैं यहाँ पर पतली गले से निकलने ही वाला था, क्योंकि भैया मेरे पास ना ही ग्रेनेड था ना ही कुछ था, ठीक है। ग्रेनेड मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला, तभी सामने यहाँ पर मेरे को ये वाला बंदा दिख गया। अब देखो क्या होता है। सो इसके एक बंदे को तो मैंने नॉकआउट कर दिया, लेकिन गाइस उसका एक और टीममेट देखो कितना गंदा फायरिंग कर रहा है। मतलब गाइस उसका ग्लिच तो हो गया पक्का, मतलब इतना ऑटो फायर भाई कैसे कैसे। फिर गाइस मैंने इजीली इन दोनों बंदों को चढ़ा दिया गाड़ी और भैया दोनों बंदों को ख़त्म कर दिया। अब दोनों बंदों को ख़त्म करने के बाद जाता हूँ मैं लूटने को। मुझे लगा था भाई उसके पास तो ग्रेनाइट पक्का ही होगा, मतलब होना चाहिए यार ग्रेनाइट, लेकिन गाइस इसकी एक पेटी में नहीं मिला, लेकिन गाइस इसके पेटी में मेरे को ग्रेनाइट मिल गया। चलो गाइस बढ़िया है, क्योंकि ग्रेनाइट ही चाहिए था मेरे को। अब ग्रेनेड लेने के बाद मैं सीधा गाड़ी लेकर निकल गया। मुझे लग रहा था भाई चलिए यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि जोन भी नहीं था इधर को और शायद मेरे को बंदे दूर पे दिख जाते हैं। तभी गैस मैं जैसे इधर की तरफ आया, तभी गैस देखना यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिख गया। ये देखो, अब चलो इसको निपटा के आते हैं। अब इसको निपटाने गया, लेकिन गैस इसका ग्लिच हो गया मेरे साथ गाड़ी और थोड़ा सा साइड कट गया, लेकिन गैस यहाँ पर मैंने इस वाले बंदे को नॉकआउट कर दिया। अब चलो इसको फुल फिनिश भी कर लेते हैं। चलो गाइस इसको फुल फिनिश कर दिया, अब देखते हैं इसके पास क्या मिलता है। ओके गाइस, इसके पास भी एक ग्रेनेड था और फर्स्ट एड किट था, तो चलो फर्स्ट एड किट उठा लेते हैं, मेडिकिट उठा लेते हैं और ग्रेनेड भी उठा लेते हैं। और वो वाला बंदा जो देखो भाग रहा है पहले, जिसको मैंने नॉकआउट किया था, चलो इसको फिनिश करते आते हैं। मुझे लग रहा है भैया बॉट है भैया, जो भी है चलो फिनिश करते हैं। सो इसको बहुत ही प्यार से फिनिश कर दिया। अभी फिनिश करने के बाद गाइस मैं जा रहा था पैदल ही, मैं सोच रहा था भाई पैदल जाएंगे, तभी मैंने सोची कि चलो यार व्हीकल लेके ही जाता है, ये वाला गाड़ी अभी भी चल सकता है, मतलब चलने के हालत में है गाड़ी। ओके तो चलो इसके लेके ही निकलते हैं भैया, कतई हम लोग करेंगे घोस्ट राइडिंग, है ना। घोस्ट राइडिंग में जैसे होता है ना, गाड़ी में आग जलता है और भैया गाड़ी चलता है, तो वैसे ही फीलिंग आ रहा था मेरे अंदर भी कि मैं भी घोस्ट राइडर हो गया। अब तभी गाइस यहाँ पर कुछ बंदे मेरे को देख गए, जिसको देखो कैसे निपटाता हूँ अपन, मतलब अपन निपटा देंगे यार, मतलब इन लोगों को निपटाना कौन सी बड़ी बात नहीं है, मतलब इजीली निपटा सकते हैं। मैं साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, मतलब गाइस यार मतलब क्या ही बताऊं यार, ग्रेनाइट ओनली ग्रेनाइट चैलेंज करके क्या चिकन डिनर नहीं मिलेगा अपन को यार, मतलब क्या चल रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब भाई ओनली ग्रेनाइट चैलेंज पे मैं चिकन डिनर नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि गाइस यार पॉसिबल नहीं है यार, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अब देखो यार आ चुके नेक्स्ट वाले गेम प्ले फिर से उतर चुका था थर्ड हिल पर, थर्ड हिल पर उतरने के बाद गाइस बहुत सारे बंदे उतरे थे मेरे साथ। ओके जैसे कि आप लोगों ने पैरासूट उतरते उतरते ही देखे होंगे कि बहुत सारे बंदे उतरे थे मेरे साथ। अब यार जैसे बहुत सारे बंदे उतरे तो मेरा तो फट गया 64 हो गया था, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर जैसे है, तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट एड किट वगैरह मिल गया, और फर्स्ट एड किट उठाने के बाद गाइस पे सीधा चला गया इधर की तरफ, पीछे की तरफ। मुझे लगता है भाई उन सारे घर में मेरे को मतलब ग्रेनेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस जैसे मैं इस वाले घर पे आया
तो अभी गाइस यहाँ पर मेरे को एक भी ग्रेनेड नहीं मिला, ठीक है। तो मैं सोची चलो यार कोई बात नहीं, हिम्मत रखते हैं अभी इस वाले घर पे जाते हैं। लेकिन गाइस इस वाले घर पे भी मेरे को नहीं मिला, फिर मैं इस वाले घर पे आ गया। अब देखो यार इस वाले घर पे भी मेरे को कुछ भी नहीं मिला, मतलब निठल्ला यार निठल्ला घूम रहा हूँ मैं अभी भी। और अभी भी गाइस थर्ड हिल पे बहुत सारे बंदे थे जो कि भाई फाइटिंग कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर मेरे को फिर से एकेएम मिल रहा था, मतलब भैया मतलब मुंह में ना लालच आ रहा था, मुझे कभी कभी लग रहा था कि भाई एकेएम चैलेंज ही कर लेते। लेकिन गाइस चैलेंज तो चैलेंज होता है, रूल्स तो रूल्स होता है, तो भैया मैं मतलब कट नहीं सकता हूँ ना, है ना। अगर चैलेंज मैंने ले लिया हूँ कि ओनली ग्रेनेड चैलेंज करेंगे तो ओनली ग्रेनेड चैलेंज ही करेंगे गाइस। ओके, और गाइस यार बता दो कि इस ये जो ग्रेनेड चैलेंज है इसका एक और पार्ट मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ जिसपे आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखाया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो गेम प्ले नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो यार वहाँ पर मेरे को एक ग्रेनेड मिल चुका था जिसको लेकर मैं सीधा इधर की तरफ आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मतलब सीधा इधर की तरफ आ गया। अब मैं यहाँ पर पहले तो एकदम पूरा जासूस की तरह जा रहा था, मिशन इम्पॉसिबल की तरह फील कर रहा था मैं। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे तैसे तो आ गया। अब मैं यहाँ पर फुटस्टेप कानों में सुनने की कोशिश कर रहा था, मतलब फुटस्टेप सुनने से पहले, मतलब क्या बोल रहा हूँ यार, मतलब फुटस्टेप सुन के गाइज मैं पता कर रहा था कि बंदे कहाँ पर होंगे एग्जैक्टली। ओके, तभी मेरे यहाँ पर कुछ ग्रेनेड मिल गया, मतलब भाई दो दो ग्रेनेड भाई मजा आ जाएगा। तभी मैंने देखा कि उधर की तरफ से गाइज कुछ फुटस्टेप आ रहा था और तभी मैंने यहाँ पर वो वाला बंदा मेरे को स्पॉट हो गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एम लगाने की कोशिश किया लेकिन गाइज मेरा जो ग्रेनेड है वो उतने दूर तक नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यार एक बार इस वाले छत के ऊपर जाते हैं फिर एम लगाने की कोशिश करते हैं। अब मैं जैसे इस वाले छत पे आया तो यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आना स्टार्ट हो गया था, तभी मैंने देखा कि अचानक से एक बॉट आ गया मेरे सामने। तो देखो कैसे निपटाते हैं। अब इस वाले बॉट भाई साहब को तो निपटा दिया बहुत ही प्यार से, लेकिन गाइस इस वाले बॉट भाई साहब को निपटाया तो नीचे एक और बंदा आ गया, बंदा था या फिर बॉट था पता नहीं। ये देखो गाइस डैमेज हुआ, तो चलो निपटाते हैं। नहीं गाइस ये बॉट ही था जिसको मैंने बहुत ही प्यार से निपटा दिया। अब इसको भी फुल फिनिश करते हैं, इसको भी फुल फिनिश कर दिया गाइस। अब इसको फुल फिनिश करने के बाद गाइस मैं सोच रहा था तो चलो यहाँ से निकलते हैं, लेकिन गाइस ऑलरेडी मैंने हल्ला मचा दिया था तो जो बंदे थे वो आ गए थे मेरे पास। अब यहाँ पर देखना क्या ही मतलब गोलमाल करता हूँ, मतलब देखो उस वाले बंदे को मारने के लिए कितना ज़्यादा तड़पाता हूँ मैं, देखना। यहाँ पर मैं उसके साथ गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेल रहा था, देखो क्या क्या ही मजा मजाक करेंगे उसके साथ, मतलब मजा लेंगे उसका। अबे यहां पर अगर उसका टीममेट नहीं आता ना तो यहाँ पर कसम से बता रहा हूँ यार उसको मैं फिनिश कर देता, मतलब जिस वाले बंदे को पहले मैं मार रहा था ना मुक्के से उसको मैं फिनिश कर देता गाइस। बट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम पक्का। बाय बाय गाइस।